ये आप देख रहे हैं, ये हमारा खेत है। और मैं दो प्लॉट और दिखाऊंगा आपको सरसों के, उन्होंने किस प्रकार बुआई की हुई है। और ये जो हमारी सरसों है, ये तकरीबन 1 महीना और 6 दिन की हो चुकी है, आज 7वां दिन है और इसमें फूल आने चालू हो गए हैं। दिखाता हूँ आपको, देखिए क्या भाई, जो कली बननी चालू हो गई है और कुछ में तो फूल भी आ चुके हैं, वो भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, फूल बनने चालू हो गए हैं और 10 से 10-12 दिन में पूरे खेत में फूल आ जाएंगे। और मैं आपको आज एक और जानकारी देता हूँ, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो आप देख रहे हैं, ये सफ़ेद सफ़ेद जो देख रहे हैं आप, ये असल में सरसों की जड़ है। देखिए ये सरसों की जड़ें होती हैं, इनका जो काम है वो जो ज़मीन में पोषक तत्व होते हैं या खाद वगैरह होता है उनको ग्रहण करती है। और आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी आप पहली सिंचाई करें उसके बाद में आपको जब दूसरी सिंचाई करनी है, ध्यान रखना है कि जो मिट्टी है वो ज़्यादा सूखी ना हो। मिट्टी में नमी हो तभी पानी देना है दूसरा, वरना ये जो जड़ें होती हैं ये सूख जाएगी। तो यहाँ भाइयों, ये प्लॉट है आपके सामने और इसमें आपने देखा देख रहे होंगे, इसमें किसान भाई ने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बीज डाल दिया है, जिससे जो सरसों के पेड़ पौधे हैं वो ज़्यादा बारीक हो गए हैं, जिससे पैदावार भी गिर जाएगी इनकी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ज़्यादा बीज नहीं डालना है अगला प्लॉट। और ये किसान भाइयों अगला प्लॉट है आपके सामने, इसमें भी किसान भाई ने बहुत बड़ी गलती की है कि जो इसमें बीज डाला गया है वो थोड़ा कम है और सही तरीके से नहीं डाला गया है और कुछ जगह पर पानी निकल गया था, तो ये नुकसान ही है किसान का एक तरह से। और जो इसकी बुआई की गई है वो भी लेट की गई है, अभी तक इसमें फूल नहीं आया है और जबकि इस समय पर अच्छी तरह से फूल आ जाना चाहिए। और कहीं जगह पानी निकल गया है तो वहाँ पर सरसों का जो जमाव है वो नहीं हुआ है, और जबकि ये जो खेत है ये जवार के खेत थे, इसमें अगेती बुआई हो सकती थी। तो क्षण भाइयों, ये आपको ध्यान रखना है कि अपने खेत पर सुबह शाम एक टाइम ज़रूर जाए, देखे कि जाकर कि कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है आपके खेत में। और मेरी 3-4 बात ध्यान रखें, पहला बीज की मात्रा सही चुने, बीज का चयन सही करें और जो डालने का तरीका है वो अच्छा होना चाहिए, बीज सही तरीके से बिखराव करें बीज का और समय पर करें, तभी आपकी पैदावार बढ़ सकती है और आपको मुनाफा मिल सकता है। ये देखिए कुछ जगह पर दूर दूर तक पेड़ नहीं है और अभी तक इसमें पानी भी नहीं दिया गया है, क्योंकि पानी देने का समय आ चुका है, क्योंकि अब इस पर फूल आ जाएंगे तो पैदावार गिर जाएगी। और ये देखिए, ये इनके परिवार का ही खेत है और इसमें जो बीज का भी खराब किया गया है वो सही किया गया है। ये जो बीज है ये हमारी जो सरसों का बीज है वही है,
ये हमारे पास से लिया था इस कृष्णा भाई ने, और यहाँ पर भी थोड़ा पानी निकल चुका है। तो अपने जो डोल है चारों तरफ की जो मेढ़बंदी है वो अच्छी तरह से मजबूत रखें, और सुबह शाम एक टाइम ज़रूर घूमने जाए। तो कृष्णा भाइयों ये ध्यान रखना है आपको। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आइकन बेल को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो क्या भाइयों, तब तक के लिए धन्यवाद।